नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में मैं एनटीए नेट की सिलेबस के अनुसार एलन पीरियड के व्यवहारवादी अवस्थिति सिद्धांत को विस्तार से चर्चा करेंगे। अतः आप सभी बने रहे हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। एलन पीरियड एक अमेरिकन भूगोलवेत्ता थे। इन्होंने बर्कले विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहे। इन्होंने तीन प्रमुख कार्य किए, उनमें पहला बिहेवियर एंड लोकेशन पुस्तक का प्रकाशन, और दूसरा प्लेस प्रैक्टिस एंड स्ट्रक्चर का प्रकाशन, और तीसरा व्यवहारवादी सिद्धांत का प्रतिपादन। बिहेवियर एंड लोकेशन अर्थात व्यवहारिक अवस्थिति सिद्धांत किसी उद्योग की स्थापना करने के लिए एक उत्तम, सबसे अधिक लाभदायक स्थान की खोज करने का व्यवहारिक दृष्टिकोण है। इस सिद्धांत के अनुसार उद्योग की स्थापना के लिए उत्तम स्थान की चुनाव करना प्रायः अच्छी तरह से परिभाषित मानदंडों के एक समूह के आधार पर होना चाहिए। व्यवहारिक आधार पर उद्योग की स्थापना कहां पर होना चाहिए या कहां पर करना चाहिए, इस पर इन्होंने अपना सिद्धांत को प्रस्तुत किया, जिसे व्यवहारिक विचारधारा सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। एलन पीरियड भी अन्य विद्वानों के जैसा उस क्षेत्र विशेष के लोगों को व्यक्तिनिष्ठ विचार रखने वाले, संतोषकर्ता, आर्थिक मानव के रूप में प्रस्तुत किया, तथा एक वृद्ध व्यक्ति की तुलना में एक युवा व्यवसायी को अधिक सक्रियता से काम करने वाला माना। इनसे पूर्व के विद्वानों के द्वारा प्रस्तुत सिद्धांत में अब तक यह बताया गया था कि उस क्षेत्र के बारे में पूंजीपतियों या व्यावसायिक लोगों को पहले से ही आधारभूत जानकारियाँ प्राप्त होती है, जहाँ पर उद्योग स्थापित करने से अधिकतम लाभ या राजस्व प्राप्त की जा सकती है। जबकि एलन पीरियड के अनुसार व्यवहारिक तौर पर पूंजीपतियों या व्यावसायिक लोगों को सभी सूचनाएं एवं जानकारियां मालूम नहीं होती है, या कहे तो लोगों के पास जो पूर्व जानकारियां होती है उस लाभदायक स्थान के बारे में, उन सूचनाओं या जानकारियों का व्यवहारिक रूप से उस स्थान पर पूर्णतः लागू नहीं किया जा सकता है, जिसके लिए इन्होंने दो तर्कपूर्ण विचारों को प्रस्तुत किया था। उद्योगपतियों के द्वारा लिए गए निर्णय जो कि पूरी तरह से तर्कसंगत एवं व्यवहारिक नहीं होते हैं, इसके लिए इन्होंने दो संभावित अक्षमता को उल्लेख किया है। अर्थात इन्होंने दो प्रमुख तर्कों को अपने सिद्धांत में शामिल किया है। अर्थात इन्होंने अपने सिद्धांत को प्रूफ करने के लिए दो तर्कों को सहारा लिया है। पहला, स्थानीय सूचनाओं की उपलब्धता एवं उनकी गुणवत्ता, और दूसरा, सूचना का उपयोग करने की क्षमता। स्थानीय जानकारी की उपलब्धता, इस तर्क के अनुसार उत्तम स्थान का चुनाव करने के लिए आवश्यक सभी उपयुक्त जानकारी पूरी तरह से उपलब्ध नहीं हो सकती है, क्योंकि सर्वोत्कृष्ट उत्तम स्थान अन्य स्थान की तुलना में महंगा हो सकता है, और ऐसे स्थानों को अधिग्रहण करने में अधिक समय भी लग सकता है। और दूसरा कंसेप्ट, सूचना का उपयोग करने की क्षमता, इस तर्क के अनुसार स्थानीय निर्णय लेने के लिए कौशल, अनुभव और व्यावसायिक ज्ञान जैसे कारक महत्वपूर्ण होते हैं। परिणाम स्वरूप ही कई स्थानीय सिफारिशें विशिष्ट सलाहकारों द्वारा की जाती है या लिया जाता है, जो कि उस विशेष क्षेत्र के दशाओं और सामाजिक आर्थिक संदर्भ में परिचित होते हैं। साथियों, यदि इस वीडियो का रिस्पॉन्स अच्छा रहा, आप लोगों का लाइक कमेंट अच्छा से आया, तो मैं बहुत जल्द आप लोगों के लिए बिहेवियर एंड लोकेशन थ्योरी का पार्ट टू अर्थात इसका प्रैक्टिकल सेक्शन को लिख करके आएंगे, जो कि इस थियोरिटिकल पार्ट से ज़्यादा मज़ेदार और इंटरेस्टिंग रहेगा, और शायद तब जाकर आपको दोबारा फिर से कहीं इस थ्योरी को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा।